और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, मौसम भी बदल गया है। ये केवल मौसम बदलने के या मौसम ही नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। ये केवल मौसम नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। और जो लोग कहते थे 400 पार 400 पार, बताओ अब उदास हो गए वो लोग क्या? नहीं उदास हो गए हैं जो 400 पार बोलने वाले 400 हारने जा रहे हैं। इनका ये 400 नारा हमें बाद में समझ में आया। जैसे इन्होंने 400 पार का नारा लगाया, हमें लगा कि ये 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सही तरीके से समझा नारा को, तो ये 400 पार का मतलब हुआ जिस तरीके से हम और आप कहते हैं उस पार, सड़क के पार, दीवार के पार। तो 400 पार, बताओ कितनी सीटें बचती हैं? 543 में कितनी बची 400 पार? 143। इस बार देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और हम लोग तो पहले चरण से चुनाव देख रहे हैं। जो पश्चिम से हवा चली थी, जो हवा पश्चिम से चली थी, उसी ने माहौल बना दिया। और माहौल ऐसा बना है कि जनता का गुस्सा सातवें चरण में सातवें आसमान में पहुंच गया है। इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का। ये बात हमारे साथी मानते हो कि नहीं मानते हो? इन बीजेपी वालों ने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का। लेकिन समाजवादी पार्टी ऑफ इंडिया गठबंधन इस बार नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है, नौकरी देने का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।